नकारा सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा। क्या अमित शाह मर गया कोरोना से? क्या खट्टर मर गया कोरोना से? हम लोग किसी से नहीं डरते, अपनी रोजी रोटी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं ये उल्टे जाएंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। इन लोगों ने देश को बेच के खा लिया, रेल बेच दी इन्होंने, हर एक चीज को बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, अब ये किसानों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहती है। हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना, एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम कॉरपोरेट्स के मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से ये सरकार कर रही है। अभी सत्तापक्ष के एक साथी बोल रहे थे चौधरी साहब कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इस अमेंडमेंट के माध्यम से। पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स आएंगे वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज हैं, किसान अपना अनुबंध करता है उनके साथ कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है, एक एक साल का पेमेंट गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे स्वयं के लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, बड़ी शुगर फैक्ट्री है सिंभावली शुगर फैक्ट्री, एक फैक्ट्री पर 380 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। और जब मैंने अभी पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों को कहा कि भी क्यों नहीं भुगतान हो रहा, तो ये सरकार इतनी सीरियस है किसानों के लिए कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की जो रकम होती मिलती है पिछले 3 साल से वो भी नहीं दी है। तो किसान तो क्या आत्मनिर्भर होगा, आपदा में अवसर ये तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो है जो पिछले 70 साल में इस देश में चीजें बनाई थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए थे, उनको किस तरीके से बेचा जाए। मैं आपके माध्यम